मॉड्यूल स्टैटिक एंड डायना जब आप बात करते हैं डिमांड की एक तो हमने कहा कि देर इज इंस्टेनियस इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन क्वांटिटी डिमांड प्राइस चेंज हुई इमीडिएटली डिमांड फॉर दैट क्वॉटिटी लेकिन रियलिटी में क्या है कि दिस इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस इज नॉट कैन नॉट बी ऑब्जर्वड इमिजिएटली इट रिक्वायर सर्टन टाइम पीरियड इन फैक्ट इट सर्टन टाइम पीरियड टू ऑब्जर्व कंप्लीट इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन चेंज इन क्वानिटी डिमांड इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए सपोज हम कहते हैं कि वी आर स्टडिंग द डिमेंड फॉर ऑर्गेनिक फ्रूट्स अगर हम लॉन्ग रन के परस्पेक्टिव में बात करें कि जी प्राइस ऑर्गेनिक फ्रूट के एक लंबे अरसे के लिए कॉन्स्टेंट आप कह लें बड़ी हाई रही उस हाई रहने से क्या होगा जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स होंगे जो कि मार्केट में ऑर्गेनिक फ्रूट को परचेज कर रहे थे वो भी क्या करेंगे दे विल स्वेच टू सम अदर अल्टरनेटिव अदर अल्टरनेटिव क्या थे जी कन्वेंशनल फ्रूट की तरफ चले जाएंगे इट माइट बी पॉसिबल दे ट्राई टू ग्रो द फ्रूट देम सेल्फ इनफैक्ट वेन एवर प्राइस चेंजेस Under distributed lag, we are basically studying that there is a lapse of time between cause and its effect, ke there is always an involvement of time lag between cause and effect. That effect is not observed immediately. Ke with reference to organic fruit, price increases, demand decrease immediately. बट लॉन्ग रन में क्या होगा कि इट माइट बी पॉसिबल आफ्टर टू ईयर्स द डिक्लाइन इन क्वांटिटी डिमांड फॉर फ्रूट इज सिग्निफिकेंट किस लिए कि जी लोगों ने अल्टरनेटिव फाइंड आउट कर लिया विद रेफरेंस टू ऑर्गेनिक फ्रूट फिर इसी पैटर्न पे कि दिस डिलेड रिस्पॉन्स टू चेंज इन क्वाटिटी डिमांड बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस बेसिकली वी स्टडी अंडर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लैग the impact of change in price is not observable immediately it might be possible impact of change in price of a quantity change in price on the quantity demand of the commodity is observed over a period of two or three years the total effect of change in quantity demand we can observe might be after a period of two years or might be after a period of three years जब हम बात करते हैं कि वन एवर देर इज द चेंज इन काजल वेरिएबल और हमारे यहाँ पे काजल वेरिएबल क्या है प्राइस देन देर आर मैनी अल्टरनेटिव पाथ्स टू द एडजस्टमेंट इन द अदर वेरिएबल और इस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में क्या है कि देर आर मैनी फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इसमें आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी आएंगे इसमें टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी आएंगे इसमें इंस्टीट्यूशनल रीजंस भी आएंगी और जब हम इन सबको एग्रीगेट करेंगे तो इसका इसके लिए क्या चाहिए इट रिक्वायर सर्टन टाइम पीरियड प्राइस चेंजेस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर कंज्यूमर टू चेंज एट देयर हैबिट्स इमीजिएटली इट रिक्वायर सर्टन टाइम पीरियड टू मेक एन एडजस्टमेंट अबाउट देयर कंजम्पशन पैटर्न सिमिलरली इट माइट बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द अल्टरनेटिव

इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि हमें कुछ अजम्पन लेके मूव करना पड़ता है जी जो भी इम्पैक्ट है द इम्पैक्ट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हम वहां पे एज्यूम करेंगे कि जी impact कितने टाइम पीरियड पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं क्या ये टाइम पीरियड एक लिमिटेड टाइम पीरियड है क्या ये टाइम पीरियड एक फाइनाइट टाइम पीरियड की इन्वॉल्वमेंट के साथ है कि इसमें कोई इंफिनिट टाइम पीरियड इन्वॉल्व है अगर मैं बात करूं कि ओनली थ्री इयर्स टाइम पीरियड इज इन्वॉल्व टू ऑब्जर्व टोटल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड देन मेरे पास एक डिफरेंट मेथड होगा फॉर द एस्टिमेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल और अगर मैं बात करूं कि देयर इज एनिट इन लैग इन्वॉल्वमेंट इन द एस्टिमेशन ऑफ द क्वांटिटी डिमांड देन क्या होगा देर आर सम डिफरेंट एस्टिमेशन मेथड्स सो बेसिकली टू ऑप्टेन हाई क्वालिटी एस्टिमेट्रीब्यूटेल्टीज बट फॉर दस्टिशन ऑफ दीज मॉडल हमें क्या करना पड़ता है We have to make certain assumptions. और मेरे ख्याल में आपने इकोनोमेटिक्स में यह सारी चीजें देखी होंगी कि फॉर दस्टिमेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल देर आर डिफरेंट मैथर्ड हम वहां पर एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन मॉडल की भी बात करते हैं हम एडहॉक एस्टिमेशन की भी बात करते हैं हम वहां पर जो ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात करते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी एजशन दैट वी मेड मेक आवर मेड आवर अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल कि जब भी आप मॉडल की एस्टिमेशन की बात करोगे उस मॉडल की एस्टिमेशन में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो होंगी एजम्पन्स कि हम किस एजम्पन के अंदर इस मॉडल को एस्टिमेट कर रहे हैं अब डिपेंडिंग अपॉन देश We can obtain estimates of the association between price and quantity demand. Thank you very much.